बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर सीधे सागर से, जहां बीजेपी में बगावत के सुर देखे जा रहे हैं। टिकट नहीं मिलने से अरविंद तोमर यहां पर नाराज दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक हैं अरविंद तोमर, पार्टी से आज इस्तीफा देने की भी यहां पर बात सामने आ रही है। नरियावली से टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे हम आपको बता रहे हैं सागर से, जहां बीजेपी में बगावत के सुर लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं। टिकट नहीं मिलने से यहां पर जन कल्याण योजना प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक अरविंद तोमर नाराज दिखाई दे रहे हैं। पार्टी से आज इस्तीफा देने की भी उन्होंने बात कही है। नरियावली से टिकट की ये मांग कर रहे थे, जिसके चलते यहां से इनका टिकट काटा गया और यहां पर किसी दूसरे को टिकट का उम्मीदवार यहां पर बनाया गया है, जिसके चलते अब यहां पर अरविंद तोमर के अंदर नाराजगी देखी जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सागर से हमारे संवाददाता हर्षित पांडे फोन लाइन पर मौजूद हैं। हर्षित, जानना चाहेंगे जैसे ही बीजेपी की लिस्ट जारी होती है और उसके बाद विधायकों में और कार्यकर्ताओं में और साथ ही साथ उनके जो समर्थक हैं उनमें लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है, अगर यहां पर जन कल्याण योजना प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक अरविंद तोमर की अगर बात की जाए, तो किस तरह की नाराजगी, किस तरह की मांग? बिल्कुल, आपको बताएं जो सागर की नरियावली विधानसभा है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के दो बार से बीजेपी विधायक हैं प्रदीप लारिया, और जो कि हमेशा लगातार सुर्खियों में रहते हैं, उनकी ओर से पार्टियों में गुटबाजी रहती है। आपको बता दें बीते दिनों मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भी हंगामा था बीजेपी नेताओं में फ्लैक्स को लेकर और तमाम प्रकार की बातें हैं। जिस तरीके से जो पार्टी कहती है 200 पार अस्सी बार की बात करती है, लेकिन नजारा कुछ और सामने आ रहा है कि जिस पार्टी को समर्थन देना चाहिए, प्रदीप लारिया का टिकट नरियावली विधानसभा से तीसरी बार घोषित किया है पार्टी ने, जिसके चलते उसी दिन से बगावत शुरू हो गई है कार्यकर्ताओं में। बीते दिनों पुतला भी दहन किया था और अब तो हद यहाँ तक पहुंच चुकी है कि जो अरविंद तोमर हैं वो उनका साफ तौर से कहना है कि अभी आज 11 बजे बीजेपी प्रदेश जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल पटेल को वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे, पार्टी से निष्कासित हो रहे हैं। वो हम आपको बता दें 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की है, उसके उनके मन में क्या मंशा है, किस तरीके की उनकी विचारधारा है, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयां करेंगे। आपको बता दें जो अरविंद तोमर है, जो लंबे समय से वहां पे वो टिकट की दावेदारी के लिए प्रयासरत थे, लेकिन प्रदीप लारिया पर पार्टी ने भरोसा जता के इनकी भावनाओं को आहत होकर उन्होंने इस तरीके की बात सामने रखी है, जो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। क्या कुछ अनुमान लग पा रहा है कि आखिर दूसरी पार्टी, कौन सी पार्टी यहां पर अरविंद तोमर के द्वारा ज्वाइन की जाएगी? क्योंकि लगातार जिस तरह से नाराजगी यहां पर विधायकों और कार्यकर्ताओं में देखने के लिए मिल रही है, और उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी चेंजेस का भी यहां पर काम हो रहा है, कांग्रेस वाले भाजपा में आ रहे हैं तो भाजपा वाले कांग्रेस में जा रहे हैं, तो किसी तरह की स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाई है अभी तक? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें अरविंद तोमर हैं जो जिला पंचायत सदस्य हैं, वो काफी समय से चुनाव विधानसभा के लिए टिकट की उम्मीदवारी कर रहे थे, जब अभी इस तरीके की बात कोई सामने नहीं आई किस पार्टी में ज्वाइन करेंगे। हो सकता है वो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं या किसी पार्टी को भी अपना समर्थन दे सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अभी ये बात सामने नहीं आई है, क्योंकि उनका कहना है कि 1 बजे वो आज मीडिया से रूबरू होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, तो उस समय अगर उनके मन में किसी पार्टी को ज्वाइन करने की बात हो तो वो अपनी जाहिर कर सकते हैं। फिलहाल इस तरीके की बात कहना उचित न है कि वो किस तरीके की पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित जानकारी देने के लिए।